Hello, Bachcha Party. Once again, welcome back to the class of SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, where you can feel the physics and then you realize that you are in love with the subject. So this is all about, aapne thumbnail to dekha hi hoga na, this is all about Chanakya Niti, shortest version of Labji series. Labji series ka ek bhai hai. Lekin ye Chanakya Niti, maine naam isko isliye diya kyunki bahut hi zabardast dented-en wali cheez hai. Dented-en wali cheez isliye kyunki ab dekha jaye, to aapki board ke examination ke andar zyada time bacha nahi hai. 2.5 month है, ऐसे में 2.5 month में आपको सभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको करने हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड डेरिवेशन, कुछ पेपर सेट और एमसीक्यू की प्रिपरेशन, क्योंकि इस बार का जो बोर्ड है उसके अंदर क्या आने वाला है वो आपको मालूम ही है. मैंने एक वीडियो इससे पहले ही बनाया था जुगाड़, उसके बारे में बताऊंगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू लर्न द एंटायर थिंग्स कि मैं आपको यहाँ पे बताने क्या वाला हूँ. साथ ही साथ इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट वो सुंदर सा रेड वाला बटन और उसके ठीक नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हैशटैग चाणक्य नीति के. ठीक है, अब देखो चाणक्य नीति, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने नाम जो सोचा है सो बहुत सोच समझ करके सोचा है. हमारे पास ये जो टाइम है ना 2.5 month का, ये ऐसा क्रूशियल टाइम है बच्चा लोग जिसमें आप हर चीज करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है. ऐसे में आपको उन्हीं क्वेश्चन को करना चाहिए जो लगातार पूछे गए हैं, जिनका वेटेज भी अच्छा खासा है, और साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन का वेटेज कितना है, एमसीक्यूज बनने वाले चैप्टर कौन से हैं, बनाने वाले चैप्टर्स कौन से हैं, कहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो ये जो सारी की सारी डिटेल्स है ना, कहाँ से ये, कहाँ से वो, कैसे ये करना है, ये सब कुछ आपको चाणक्य नीति के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा. ये वीडियो लेक्चर एक अनाउंसमेंट है, अब से लेकर के लगातार फेब तक, पूरी तरह से फेब नहीं कह सकता क्योंकि फेब में आपकी एग्जाम है, समझ लीजिए एट द एंड ऑफ जनवरी लगातार आपको वीडियो लेक्चर्स क्लास 12 के मिलेंगे. क्लास 11 को मैं थोड़ा सा अभी यहां पर स्टॉप करूंगा, वो वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर फिनिश करने के बाद कंटिन्यूअसली हम काम करेंगे क्लास 12 पे. और बहुत बड़े बड़े वीडियो लेक्चर्स नहीं बच्चा पार्टी, बट शॉर्ट वीडियो क्लिप्स अराउंड 20 to 25 मिनट के अंदर हम एक चैप्टर का पूरा रिविजन आपको करवाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन को करवाएंगे जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के. यही है चाणक्य नीति. ठीक है, एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको एक बताया था बहुत पहले, जुगाड़ करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब के सर्च बॉक्स के अंदर जुगाड़ बाई एसएसपी या फिर जुगाड़ बाई सचिन सर, तो आपको मिलेगा. वो कंटिन्यू ही है जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि 300 एमसीक्यूज की लाइव प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं करा रहा हूँ, वो कंटिन्यू ही है. जो मैंने 300 MCQs कहा था उसमें से 11 लेक्चर्स मैंने लिए, और अगर मैं हर लेक्चर के 10 MCQs को काउंट करूं तो 110 MCQs ऑलरेडी हो चुके हैं. अब जो ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहा होगा उसके लिए तो ये मिस हो गया, वो भी इस चाणक्य नीति के अंदर एट द एंड ऑफ द जनवरी फिजिक्स के एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं MCQs के भी वीडियो लेक्चर्स डाल दूंगा. खैर, अब बाकी के बचे हुए जो तुम्हारे वीडियो लेक्चर्स हैं जो 190s MCQs हैं वो वापस स्टार्ट होने जा रहे हैं. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, बस आपको करना ही है कि अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना है और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. लाइव क्लास में आके शांति से मस्त बात करते हुए पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए. ये तो खैर बात हो गई एमसीक्यूज की. चाणक्य नीति के अंदर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ. चाणक्य नीति एक तरह से लवजी का ही शॉर्ट वर्जन है. लवजी पता है, नहीं पता है तो YouTube के सर्च बॉक्स में जरा सर्च करिए. मैंने आज के 2-3 महीने पहले लवजी सीरीज स्टार्ट किया था. लवजी नाम मैंने सोचा था इस तरह से कि ये एक ऐसा वर्जन होगा जहां पर आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बट कुछ कारणों की वजह से उसे मैंने होल्ड करके रखा हुआ है. हालांकि 3 से 4 चैप्टर मैंने करा चुके हैं उसमें. अब पूरा टारगेट बच्चा लोग हम लोग बोर्ड पे करेंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन खत्म करेंगे, उसके बाद उसको वापस स्टार्ट करेंगे. तो जो बच्चा लोग नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जो अप्रैल में देने वाले हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. तो अब से लेकर के लगातार आप चाणक्य नीति को फॉलो करते रहिए विथ SSP 2.5 month के लिए. कहीं पे भी मत जाना, कुछ भी नहीं किया है तो बस इतना कर लोगे तो डेफिनेटली आप अपनी एग्जाम को क्रैक ही नहीं बट अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर डालोगे. क्रैक करना इन द सेंस सिर्फ पास हो जाना हो जाता है ना, अच्छे मार्क्स आएंगे ये गारंटी है. और जब एग्जाम के अंदर आप बैठेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये तो चाणक्य नीति से रिलेटेड ही है, क्योंकि आज के कुछ महीने पहले इसी साल के अंदर 2019 में मार्च एग्जामिनेशन के मार्च में जो बोर्ड एग्जामिनेशन था उसके ठीक पहले मैंने ब्रह्मास्त्र करके एक ट्रिक दिया था जिसके अंदर 42 डेरिवेशन थे और आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत सारे बच्चों लोगों का भला हो गया था उस पर.
बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने वो वीडियो देखे थे और उन्हीं पर से डेरिवेशंस पूछे गए थे। कुछ ऐसा ही है ये, बट वो जो 40 डेरिवेशन है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब ये चाणक्य नीति जो है ना, इसको आपको फॉलो करना है। सभी वीडियो लेक्चर्स 20 से 25 मिनट या 25 से 27 मिनट के होंगे, जिसके अंदर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उस बोर्ड में, उसको पेपर्स के अंदर, उस चैप्टर के अंदर, उस डेरिवेशन के अंदर कहाँ से 2 मार्क्स से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, कहाँ से 3 मार्क्स के चांसेस है, कहाँ पे 4 मार्क्स के चांसेस है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ जितने भी वीडियो लेक्चर्स आए वो अगर आपको मिले तो क्या बात है ना, और उसको मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर दीजिए, भूलना मत, क्योंकि फिर वीडियो आया आपने देखा नहीं तो फिर मेरी मेहनत चली जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी वीडियो लेक्चर्स आप जरूर देखें बच्चा पार्टी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख भी दिया हूँ, समझ लीजिए, आग लगा देना है, ये तो स्लोगन रहता है इस चैनल का लगातार 2 मंथ्स, उससे भी ज़्यादा टाइम है क्योंकि 2.5 मंथ है। आपको शॉर्ट वीडियो क्लिप्स मिलेंगी 20 से 25 मिनट के, हर एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होगा। अगर मैं अप्रॉक्स बोल दूँ 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, तो पूरे के पूरे चैप्टर्स के लिए हम वीडियो लेक्चर्स लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। सो उसे फॉलो जरूर करो बच्चा पार्टी। चाणक्य नीति कुछ भी नहीं किया है ना अभी तक फिजिक्स में, इतना भी कर लोगे तो यार डेफिनेटली आप आग लगा दोगे, फिर आप बोलोगे कि हाँ SSP ने सही कहा था। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और साथ ही साथ में मैं आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक लिंक दूंगा बच्चा पार्टी, जिस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेपर सेट भी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। यही इतना ही नहीं, लेकिन लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करना होगा। सो आई होप कि जो भी बातें मैंने अभी आपको कही है वो सब कुछ आपको समझ में आई है। जो चीज़ें समझ में नहीं आई है कमेंट करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को मैं जरूर रीड करूंगा और मैं आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। करना सिर्फ इतना सा है, बेल आइकन और वो रेड वाला सुंदर सा बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड प्लीज़ बच्चा पार्टी इसे जितना हो सके उतना शेयर करिए, चाणक्य नीति आपका बहुत भला करेगा। कुछ भी नहीं किया है तो डेफिनेटली इतना करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो ग्राउंड स्टेट में है वो हायर एनर्जी स्टेट में जाने वाला है। ये आएगा चैप्टर नंबर कौन सा था, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, एटम के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये लास्ट वाली जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे जरूर सुनिए ध्यान से और कमेंट करके अपना ओपिनियन रखिए। देखिए मेरे सामने है ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, ये 3 में से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। अब इन 3 में से जिसका कमेंट ज़्यादा आया, मॉडर्न फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट वहीं से करूँगा। सो फटाफट कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और इसको जितना हो सके इस वाले वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, बाय बाय। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस चाणक्य नीति। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।